जिन लोगों को आपने ले लिया, पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे शिवम, वो तो बार बार आपको हॉन्ट करने आएंगे, उनसे उनके सवालों से आप बच नहीं पाएंगे, यही अनुज अत्रे कह रहे हैं। हम पर आप देख रहे हैं, पहले अपने ग्रहमा में झांक लीजिए। देखिए हम तो रोज ही जवाब देते हैं, लेकिन सुचारिता जी आपने घुमा फिराकर तीन बार पूछने की कोशिश करी कि जिस स्कैम को आप बार बार कहते थे कि हमने खोला है उस केजरीवाल पर दो शब्द बोल दीजिए। बिल्कुल चुप है अनुज जी, आपने कहा कि ठीक है चलिए कोई बात नहीं, बंगाल में जो है इतनी बार आपने हंगामा किया और इतनी बार अधीरता के सामने आपका टसल हुआ, दो शब्द उस पर बोल दीजिए, उस पर भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप ही के नेता आपसे 15 दिन पहले तक लगातार प्रदेश में रेड मारे जा रहे थे, आपका बाबा बुलडोजर लेकर के घूम रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं बुलडोजर लेकर के, दो घंटे के अंदर पकड़ के गिरफ्तार करने की बात करते हैं आप जनता को गुमराह। ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है संजय जी, दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इशू। एक मिनट रुक जाइए। बादल देवनाथ जी को लीजिए स्क्रीन पर। संजय जी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी बारी में बोलें, ये जो बीच में ट्रांसग्रेस करके आप बीच में आ जाते हैं ना, ये मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता है। मैं कई बार आपको बोल चुकी हूँ, मैं आपने बड़े सेंसिटिव टॉपिक की बात की है, जो दो आतंकी पकड़े गए हैं पश्चिम बंगाल से, अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि संरक्षण दिया गया पश्चिम बंगाल से ही, शाहजहां शेख को 55 दिन तक नहीं पकड़ पाए बादल जी, और वहीं से आतंकी भी पकड़े जा रहे हैं, वो भी अपना हाइड आउट पश्चिम बंगाल में ढूंढ रहे हैं, यही कह कहकर कहा जा रहा है पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। बादल जी शाहजहां को अरेस्ट कौन किया? बंगाल के पुलिस ने अरेस्ट किया। और दूसरा बात, शाहजहां ने जो अन्याय किया उसके खिलाफ ममता दीदी ने सभी को जो जमीन का जो समस्या था सबको जमीन वापस कर दिया ममता दीदी। और ममता बनर्जी ऐसा लीडर है पूरे देश के अंदर सभी धर्म को सम्मान करते हैं, और ऐसा लीडर बंगाल में है, और उसी बंगाल में जहां पर अरविंद विवेकानंद रामकृष्ण परमेश्वर रविंद्रनाथ टैगोर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आप लोगों का जलन होता है, इसलिए बार बार नेशनल चैलेंज पर बंगाल और बंगाली संस्कृति का कल्चर का बदनाम कैसे किया जाता है, कैसे प्लान करना जाए, ये आप लोगों का साजिश है। बंगाल 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 और बंगाल में और कांग्रेस का पॉलिटिकल फंड फ्रीज करने से और अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने से राष्ट्रीय मिशन लागू करने से मोदी जी को 2024 में 400 पार हो जाएगा। मैडम सुन लीजिए, इस बार 230 भी पार नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश पश्चिम उत्तर प्रदेश लोगों को मालूम हो गया भाजपा के लोग जा नहीं पा रहे हैं, भाजपा के कैंडिडेट जा नहीं पा रहे वहां पर। अब तीसरा बात है मैडम, अभी भी बंगाल में 19 तारीख को वोट है, 26 तारीख को वोट है, 4 सीटों में आपका गुस्सा नरेंद्र मोदी पर है, आपका गुस्सा बीजेपी पर है, तो वो गुस्सा वोटर पर क्यों उतार रहे हैं भाई? आपके नेता वोटर को क्यों डरा रहे, धमका रहे? मैडम पहले पैरामिलिट्री चली जाएगी, उसके बाद पुलिस तो हमारी होगी, ये धमकी क्यों दे रहे हैं? मैडम सुन लीजिए, उससे पहले सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी के ऊपर बंगाली कल्चर ऐसा है ना, नरेंद्र मोदी को देश के राजा है, इसके ऊपर हमारा कोई गुस्सा नहीं है, उनका पॉलिसी के खिलाफ हम लोग बोलते हैं, देश के राजा के खिलाफ नहीं है। सर तो मेरा सवाल तो सुनिए, मैं तो कुछ नहीं कह रही हूँ, आप राजनीतिक दल है, आपका काम है अपने विपक्षी पर अटैक करना, सम्मान करते हैं, ठीक है ना, मतलब ये नहीं है, लेकिन सर मेरा सवाल नहीं सुना आपने। देखिए मैंने सुन लिया, तो वोटर को क्यों डरा रहे हैं? वही तो सत्ता देगा, या उसे डरा कर आपको लगता है सत्ता छीन लेंगे? कौन डरा रहा है? एक बात कोई मिनिस्टर ने बोल दिया, मतलब बंगाल के सारे 10-12 लोगों को एक बार किसी मिनिस्टर ने बोल दिया,
एक बार किसी मिनिस्टर ने बोल दिया, आप कह रहे हैं। अब इसको जरा रिवर्स कर दीजिए, इसको जरा रिवर्स कर दीजिए संगीत जी। मैं ये कह रही हूँ कि अगर केंद्र सरकार का कोई मिनिस्टर ये बोल दे, जो इनके मिनिस्टर ने कहा ये कह रहे हैं या फिर इनके नेता ने कहा, अगर इसको रिवर्स कर दीजिए तो फिर क्या कहेंगे ये कि आप यहाँ पर, और अगर यही पश्चिम बंगाल में जाके कह दे कोई। देखिए ये बात एक बार की बात नहीं है, हाँ। बंगाल में हत्या और वायलेंस की जो संस्कृति है, हाँ। वो वामपंथियों ने शुरू किया था, जो वामपंथियों की आइडियोलॉजी से निकल कर के आई थी। अब एक बार जब वो शुरू हुआ तो वो सारे के सारे सपोर्टर जो है टीएमसी के आदो है, जितने गुंडे, जितने मवाली, जितने बदमाश, जितने हत्यारे, जितने अपराधी थे, वे सारे के सारे आज इनके टीएमसी के काडर हो गए हैं। पुलिस और पुलिस प्रशासन और पार्टी के बीच में अंतर जो था वो पश्चिम बंगाल में टीएमसी भी के समय भी खत्म हो गया और ये वामपंथियों के समय भी खत्म हो गया था। यही कारण है कि शाहजहां शेख को पकड़ने के लिए पुलिस नहीं गई, यही कारण है कि मुख्यमंत्री एक महिला होने के बावजूद भी महिलाओं के साथ रेप होता है, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, इसके बावजूद भी वो पहले प्रमाण मांगती हैं इससे पहले कि उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए। और सिर्फ अरेस्ट इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि वो मुस्लिम है, क्योंकि वो उनका वोट बैंक है, क्योंकि उनका ऑफिस बियरर है। ये जो मानसिकता है जिसे कह रहे थे अभी बादल देवनाथ जी, कह रहे थे कि ये बंगाल की संस्कृति है, ये बंकिम और विवेकानंद की संस्कृति है, हाँ। ये महर्षि अरविंद की संस्कृति है। महर्षि अरविंद की संस्कृति और विवेकानंद और बंकिम की संस्कृति को कहीं और गटर में फेंक दिया है ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ सत्ता, सिर्फ और सिर्फ सत्ता, इसके अतिरिक्त उनके दिमाग में कुछ नहीं है। और वह भी उनकी पूरी राजनीति जो है वो बंगाल तक सीमित है, इस देश का क्या होगा इसके बारे में उनकी कोई चेतना नहीं है। वो पूरी तरीके से एक संवेदनहीन महिला है। क्या ये सही है वो जो बात कह रहे हैं कि उनकी सोच सिर्फ बंगाल तक सीमित है, वो ये नहीं सोच रही है कि उसका प्रभाव पूरे देश पर क्या होगा। अनुज जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, पश्चिम बंगाल में, और मैं पश्चिम बंगाल की क्योंकि दिल्ली की भी बात आपसे करना चाहती हूँ, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो आप लोगों को ठेंगा दिखाया ममता बनर्जी ने। उन्होंने कहा चाल मैं एक सीट नहीं दूंगी, पहले तो उन्होंने ये ठेंगा दिखाया, फिर उन्होंने वोटर से भी कहा कांग्रेस को एक भी सीट नहीं, एक भी वोट नहीं पड़ना चाहिए, दूसरा ठेंगा दिखा दिया उन्होंने। और वो कह रहे हैं हम भले ही इंडिया गठबंधन में लेकिन इन कांग्रेस वालों को वोट मत दीजिए। तो आपको तो वो वैसे ही कुछ नहीं समझ रही है, और वो वैसे भी किसी को कुछ समझ रही है मुझे इस पर एक प्रश्न चिन्ह है, लेकिन वो आपको कुछ नहीं समझती है। क्या ये नुकसान दे रहा है आपके राजनीतिक दल को भी, आप तब भी हाथ पकड़े हुए हैं? नहीं, आपने बहुत विस्तार से बार बार बोला कि हमें ठेंगा दिखाया, हमें नुकसान पहुंचा रही है। अरे वो तो क्या कांग्रेस ने उसको ठेंगा नहीं दिखाया? नहीं, सुनिए मेरी बात, आप बोले आज बंगाल में अगर सबसे ज्यादा टीएमसी का कोई विरोध में उतर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी उतरी है। आप हमारे अधीर रंजन चौधरी जी के ऊपर सबसे ज्यादा अगर आरोप किसने लगाए कि टीएमसी का विरोध कर रहे हैं तो ये इन लोगों ने लगाया है, बावजूद उसके आप कहते हैं कि आपको ठेंगा। अरे ठेंगा तो हम लोगों ने दिखाया है क्योंकि हम मुद्दों के आधार पर राजनीति करते हैं, हम कमिटमेंट के आधार पर नहीं चलते हैं कि आप चाहे गलत हो या ठीक हो हम साथ चले लगे रहेंगे। हम भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे और तुमको ही गले लगा लेंगे, ये नीति भारतीय जनता पार्टी की है। अगर हमने आरोप लगाया है तो हम अपने आरोप के खिलाफ उस पर स्टैंड करते हैं। संदेश खाली को लेकर के जो वहां पे महिलाओं के साथ हुआ, निश्चित तौर पे हमारी हमदर्दी है, सरासर गलत हुआ है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या केवल संदेश खाली की महिलाओं के लिए हमने बोलना है और प्रदेश की महिलाओं के लिए हमें चुप लगा जाना है? सिलेक्टिव सिलेक्टिव बोलने क्या बोला, क्या ये सिलेक्टिव होकर के बोलना ठीक है? यही बात तो दिल्ली में जो देश की पहलवान महिला पहलवान थी, जो जिम्मेदार उस पे थी, पढ़ी लिखी थी, उन्होंने जब बिभूषण शरण पे जब आरोप लगाए, सर मैं यही कहती हूँ सेलेक्टिव, मैं यही कहती हूँ सेलेक्टिव, क्या आरोप दिखाओ, मैं यही कहती हूँ सेलेक्टिव। अनुजी पुलिस ने बुला करके आपको मजबूर कर दिया है, सबूत मांगे पहलवानों से, अनुजी आप बताओ आपके साथ यौन शोषण हुआ, सही कह रहे हैं, कौन सी लड़की सबूत दे पाएगी? अब सुनिए, बंगाल की सरकार ने संदेश खाली की महिलाओं के साथ कहा है, वही दिल्ली की सरकार ने बोला है, ठीक है, उस पर क्यों नहीं सवाल पूछते आप लोग? अनुजी एक बात बताइए, मैं उसको भी गलत बोलता हूँ, उसको भी गलत कर दिया। आपसे निवेदन करूंगा सुचारिता जी, आप बोलिए जो महिला पहलवानों के साथ दिल्ली पुलिस ने किया, जो बीजेपी की सरकार ने कहा, वो सरासर गलत था, निंदा कीजिए आप भी।